उसी पर्वत के पास ही एक समुद्र था। वहाँ भूरा अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ रहता था और वो नमक चुनकर बेचने का काम किया करता था। मैं कोई ऐसा गीत गाऊं कि आरजू जगाऊं अगर तुम कहो ला 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 ला। भूरा हमेशा की तरह समुद्र के तट पर नमक बिनने चला गया। नमक बिनकर उसे छानकर वो उसे छोटे छोटे दामों में बेचा करता था। बताओ लंबरदार भाई, कितने में खरीदोगे आज मेरा नमक? जितने में रोज खरीदता हूँ उससे 10 आने कम, और कल से शायद और दाम गिर जाए। अगर दाम हमेशा कम होते रहेंगे तो मेरा घर कैसे चलेगा? घर पर मेरा एक बच्चा भी है जो छोटा सा है, थोड़े तो पैसे आप बढ़ाइए। भाई मेरे हाथ में थोड़ी ना है, वो तो सब ऊपर वाले कर्मचारी करते हैं, हमें उन्हें भी पैसे पहुंचाने पड़ते हैं। आपके पास कोई और काम है तो आप मुझे दे दीजिए ना। मेरे पास कोई काम होता तो मैं नहीं कर लेता, पूरे दिन नमक में रह रहकर मैं भी परेशान हूँ। भूरा पहले से ही नमक ज्यादा दामों पर न बेचने के कारण बहुत परेशान था। उतने में ही वहाँ पर एक चौकीदार आया और उससे कहने लगा, ऐसे छुप छुप कर मत भागो, मैंने तुम्हें मुंह छुपाते हुए देख लिया है। अरे नहीं साहब, मैं कहां भाग रहा हूँ, मैं तो अपना पसीना पोंछ रहा था। आप खामखां चिंता कर रहे हैं, सीधे काम की बात करता हूँ। हफ्ता निकालो, हफ्ता। हाँ ये लीजिए, पूरे 500 रुपए। भूरा ने उस दिन जितने भी पैसे कमाए थे सारे ही उस चौकीदार को दे दिए और बचे हुए 100 रुपए के खाने का कुछ राशन ले लिया और घर चला गया। आप ये जो रत्ती भर का खाना लेकर आए हैं, इससे किसका पेट भरेगा? और बेतुके काम करना बंद कर दीजिए आप, और चलिए आप मेरे मायके, मैं आपको वहाँ कोई ना कोई नौकरी दिलवा दूंगी। जो लाया है खा लो भाग्यवान, मुझे पता है तुम्हारे ससुराल में कैसे लोग हैं और उनका क्या कहना है। उस दिन न्योता में बुलाकर भंडारे में घुसा दिया, कह दिया खाना खा लो, ये भी कोई बात हुई भला? भट्टी में जाइए आप, मुझे क्या, मैं तो बस अपने जज्बात बता रही थी आपको। उसी रात जंगल के कुछ डाकू उस गांव में आ गए जो कि शहर से हीरे चुरा कर लाए थे, और वो समुद्र के पास एक झाड़ी के पीछे छुप गए। इन हीरों को हमें कहीं छुपाना होगा वरना हमें पुलिस पकड़ लेगी। जी सरदार, पुलिस वालों के डंडे बहुत जोर से लगते हैं, लेकिन हम इन हीरो को छुपाएंगे कहाँ? आप सब फिक्र ना करें, सामने ही नमक का ढेर लगा हुआ है, इन हीरो को नमक की ढेर में डाल देते हैं, वैसे भी छोटे छोटे हीरे हैं, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। सरदार और उसके चेलों ने छोटे छोटे हीरो के टुकड़े नमक में मिला दिए और वो लोग पुलिस से डर कर भाग गए। अगले दिन जब भूरा नमक इकट्ठा करने उस जगह पर पहुंचा, तो उसकी आंखों में उनकी चमक पड़ी। ये ढेर कुछ अजीब सा लग रहा है, इतना उत्पात किसने मचा दिया यहाँ, सब बिखरा है। भूरा वहाँ जाकर नमक चुनने लगा बाजार में बेचने के लिए, तभी उसकी नजर एक चमकते हुए छोटे से टुकड़े पर गई। ये चमकता हुआ नमक, ये कैसा नमक है, बहुत तेज चमक रहा है, ये हीरा तो नहीं है? भूरा उस हीरे के एक टुकड़े को लेकर वहाँ से चला जाता है और एक जोहरी के पास जाकर उस टुकड़े को उसे दिखाता है। मूलचंद जी, ये बताइए ये हीरे कितने में लेंगे आप, और ये हीरा है कितने का? होश में तो हो, नमक बेचने की जगह सूंघने भी लगे हो तुम तो, हीरा और वो भी तुम्हारे पास, ये देखिए तो सही। भूरा मूलचंद को हीरे दिखा देता है, जिसे देखकर मूलचंद जोहरी भौचक्का रह जाता है और कहता है, ये हीरा तुम्हें कहाँ से मिला? इस छोटे से हीरे की कीमत पूरे 1 लाख है, तुम्हें ये किसने दिया? वो सब आप छोड़िए ना, और बताइए कि हीरे खरीदेंगे या नहीं, वरना मैं कहीं और जाऊँ। तुम यहीं रुको, मैं पैसे लेकर अभी आया, बस कहीं बेचना नहीं। मूलचंद ने भूरा को पूरे 1 लाख रुपए दे दिए। भूरा की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था, कई सारे गहने कपड़े और कई सालों तक का घर का राशन लेकर वो अपने घर चला गया और अपनी पत्नी से कहने लगा, भाग्यवान लगता है भगवान ने हमारी सुन ली, ये देखो इतने सारे पैसे आ गए, मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, ऐसा लग रहा है जैसे ये कोई सपना है। कहीं आप चोरी वोरी तो नहीं करने लग गए जी?
कहीं आपने डकैती का काम तो नहीं शुरू कर दिया? कहाँ से आए आपके पास इतने सारे पैसे? तब जाकर भूरा अपनी पत्नी को सारी सच्चाई बताता है और तब रेशमा कहती है, अरे पगलू, एक हीरे के अगर 1 लाख मिल गए तो सोचिए अगर हमारे पास सारे हीरे हुए तो हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। लेकिन और हीरे हम लाएंगे कहाँ से? हमें उसी ढेर के पास चलकर देखना चाहिए। रेशमा और भूरा उस हीरे के नमक यानी कि समुद्र के तट पर चले जाते हैं और वहां जाकर नमक में से हीरे ढूंढने लगते हैं और उन्हें कई सारे हीरे मिल जाते हैं। उतने में ही वहां पर पुलिस वाले आते हैं जिनकी कैद में वो डाकू रहते हैं। बताओ तुम्हारा सरदार कौन है? बताओ कौन है तुम्हारा सरदार? ये खड़ा है ना आपके सामने, भूरा। भूरा है हमारा सरदार। ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं तो तुम्हें जानता तक नहीं हूँ, तुम मेरा नाम कैसे जानते हो? अरे भूरा भाई, झूठ क्यों बोलना, अब हमारा भांडा फूट चुका है। इंस्पेक्टर साहब, अगर आपको यकीन नहीं होता तो आप भूरा के घर चलकर देख लीजिए और उसके हाथ में अब भी हीरे हैं। उतने में ही वहाँ पर एक हवलदार आया और कहने लगा, जी इंस्पेक्टर साहब, ये बात सच है, भूरा के घर में सोने के गहने और कई सारे बेश कीमती सामान मिले हैं। हवलदार की इतनी बात सुनते ही पुलिस ने भूरा और रेशमा को कैद खाने में कैद कर लिया और उन्हें वहाँ डाकुओं के साथ बंद कर दिया। हे भगवान, ये कैसा अनर्थ है, दूसरों का इल्जाम हम पर लग रहा है, आखिर हमने ऐसा क्या गलत कर दिया है? मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। तुम चिंता ना करो, मैं कुछ करता हूँ। इन डाकुओं ने ऐसा छल हमारे साथ क्यों किया, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। उन्हें दुखी देखकर डाकुओं का चेला बोला, लगता है तुम अब तक समझ नहीं पाए, हमने साजिश करके तुम्हें यहाँ फंसा दिया है। हमारा सरदार बनकर तुम यहाँ पर उम्र भर कैद रहोगे और हम कुछ महीनों में ही छूट कर यहाँ से चले जाएंगे। बड़ा बेवकूफ है ये। भूरा उन डाकुओं के कैद में आकर फंस गया था और अपनी किस्मत को कोस रहा था। उतने में ही उस जेल के दीवार के बीचों बीच एक बड़ा सा छेद हुआ और उसमें से एक भूत निकल कर आया जो आकर कहने लगा, ये इंसान पता नहीं जेल में रोते क्यों हैं? मुझे देखो, मैं कितना खुश हूँ, इसकी समस्या का परिणाम मैं दिखा दूंगा। और वो भूत जाकर भूरा से बात करने लगा। उस भूत को देखकर भूरा और रेशमा दोनों बेहद डर गए। भूत, भूत, ये क्या हो रहा है? शोर मत मचाओ वरना सब आ जाएंगे। मैं इसी जेल का भूत हूँ, कई साल पहले मुझे यही सजा मिली थी, तब से मैं बेगुनाहों को यहाँ से मुक्त कर देता हूँ। चलो कम से कम एक भूत तो है जिसे हम बेगुनाह लगे, कैसे मुक्त करोगे तुम? तुम दोनों को ही उस जेल में रखे हुए पानी पर ये हल्दी लगा देनी है, ये जादुई हल्दी है जिसे पीकर सारे पुलिस वाले सारा माजरा समझ जाएंगे और तुम निर्दोष साबित हो जाओगे। उस मटके पर हम हल्दी कैसे लगाएं? हम अंदर कैद हैं, आप लगा दीजिए ना। भूरा की बात सुनकर भूत ने मटके की पानी पर हल्दी लगा दिए और जब पुलिस वालों ने हल्दी वाला पानी पिया तो उन्हें सारी सच्चाई नजर आ गई, उन्हें सच का पता चल गया। तुम बाइज्जत बरी किए जाते हो, इन डाकुओं को सजा मिलेगी, हमें माफ करना। रेशमा और भूरा दोनों ही अपने घर चले गए और दोनों मायूस हो गए। तब उनकी नजर उनके घर पर पड़ी, उनके घर पर रखे हुए नमक चमक रहे थे। ये क्या हो रहा है, ये नमक चमक क्यों रहा है? अरे ये तो हीरे के नमक है, ये कैसे हुआ, ये तो नामुमकिन है। ये सब जरूर उस जेल वाले भूत की शक्ति का कमाल है, उसने हमारी जिंदगी बदल दी। और क्या था, भूरे के घर में रखे हुए नमक हीरे के बन गए थे। भूरा उसे बेचकर बहुत बड़ा धनवान आदमी बन गया। हीरे के नमक बेचने से उसका कारोबार धमाकेदार चलने लगा और उन पैसों से भूरा लोगों की मदद करने लगा और अपना जीवन सुखी सुखी बिताने लगा। मुथू एक गरीब था जो साइकिल पर घूम घूम कर कॉफी बेचा करता था। मुथू का ये व्यापार नया था। कॉफी 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 गर्मा गर्म कॉफी कॉफी, एक कॉफी देना। मुथू की कॉफी ग्राहकों को कुछ खास पसंद नहीं आती थी। अरे रवि भैया, कॉफी पियोगे? नहीं नहीं मुथू,
अभी घर पर कॉफी पिया है। ठीक है भैया। मुथू थोड़ा दूर ही गया था कि रवि के साथ वाला आदमी उससे बोलने लगा। भाई तू तो बोल रहा था कि चाय या कॉफी मिल जाए बस, तो कॉफी क्यों नहीं लिए? अरे यार, इसके हाथ की कॉफी इतनी बकवास होती है ना कि क्या बोलूं। तू एक बार पिएगा ना तो जिंदगी भर कॉफी नहीं पिएगा। ग्राहकों की ये बात मुथू को बुरी लग रही थी। मुथू बहुत कोशिश करता था अच्छी कॉफी बनाने की, पर उससे कभी अच्छी कॉफी बनती ही नहीं थी। वो निराश होकर घर गया। वीना, अच्छी कॉफी बनाने का क्या तरीका है? माप, सही मापों से सही कॉफी बनती है। मैं कितना भी सही माप इस्तेमाल करूं, मेरी कॉफी ग्राहकों को अच्छी ही नहीं लगती। जिसको अच्छी कॉफी दूं, वो बोलता है कि कड़क कॉफी चाहिए, और जिसे कड़क कॉफी दूं, उसे वो भी अच्छी नहीं लगती। ऐसी कॉफी कैसे बनाऊं जो सारे ग्राहक को अच्छी लगे? अब इसके लिए क्या ही कर सकते हैं, आप फिकर मत कीजिए। मुझे यकीन है आप खुद ही सही कॉफी बनाना सीख लेंगे। उम्मीद तो यही है, देखते हैं। मुथू निराश था। उस रात तेज बरसात शुरू हो गई और सुबह तक बादल बरसते रहे। अगली सुबह मुथू अपनी साइकिल लेकर निकल रहा था। वीना, मेरी साइकिल का छाता निकाल दो। हाँ, वीना छाता लेकर आई। इसमें तो छेद है, लगता है चूहों ने छेद कर दिया है। कोई नहीं, काम तो चल ही जाएगा। मुथू ने वो बड़ा छाता साइकिल के ऊपर लगा दिया और मुथू साइकिल लेकर निकल गया। बाहर बरसात हो रही थी। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, कॉफी 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 कॉफी। बरसात के कारण रास्ते पर कम लोग थे। बस स्टॉप के पास जाता हूँ, वहाँ कोई ना कोई मेरी कॉफी पी ही लेगा। मुथू बस स्टॉप पहुँचा तो वहाँ कई लोग छाता लेकर खड़े थे। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी। तभी उसे वहाँ रवि दिखा। रवि को बारिश से ठंड लग रही थी। इतनी ठंडी में कॉफी ही पी लेता हूँ, इसकी कॉफी का स्वाद तो अच्छा नहीं होता, पर कम से कम गर्म होती है। अरे भाई, एक कॉफी देना। मुथू ने बहुत खुश होकर रवि के लिए एक कॉफी बनाई और तभी उसके छाते से एक बूंद पानी उस कप में टपका। रवि ने वो कॉफी चखी। अरे वाह वाह वाह, क्या कॉफी बनाई है मुथू, इतनी अच्छी कॉफी मैंने जिंदगी में नहीं पी। सच्ची? हाँ सच्ची, बस मजा आ गया। रवि ने बड़े चाव से वो कॉफी पी। मुथू, एक और कप कॉफी दे दो। हाँ भाई। मुथू ने उसे एक और कप कॉफी दी। आसपास खड़े और कई ग्राहक कॉफी पीने चले आए। मुझे भी एक कॉफी देना। मुझे भी दो भाई, मैं भी तो देखता हूँ तुम्हारी कॉफी में ऐसा क्या है। हाँ हाँ, सबको देता हूँ। मुथू एक एक करके सारे ग्राहकों को कॉफी देने लगा। हर एक की कॉफी में छाते से एक बूंद का पानी टपका और ग्राहकों को कॉफी बहुत अच्छी लगने लगी। वाह भाई, कमाल है, ऐसी कॉफी कहीं नहीं पी। हाँ हाँ बिल्कुल। सभी को कॉफी का स्वाद बहुत भा रहा था। मुथू चौंक गया। आज तक किसी को मेरी कॉफी पसंद नहीं आई, अचानक ये चमत्कार क्या हो गया? जो भी हो, आज तो मेरी चांदी है चांदी। मुथू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी और उसकी कमाई बढ़ रही थी। आज बस स्टॉप पर ही उसके 120 कप कॉफी बिकी और उसका सारा सामान खत्म हो गया। उसने भगवान का शुक्रिया किया और अपने घर लौटा। वीना, वीना, आज तो कमाल ही हो गया। क्या हुआ? आज ग्राहकों को मेरी कॉफी इतनी पसंद आई कि धड़ाधड़ सब बिक गई। एक ही घंटे में 120 कॉफी बिकी है। अरे वाह। अरे पता है, हर ग्राहक को मेरी कॉफी पसंद आ रही थी, किसी किसी ने तो एक से ज्यादा कॉफी पी और सब तारीफ कर रहे थे। मैंने कहा था ना, ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। अच्छा है।
वीना भी हैरान थी कि ये सब अचानक कैसे हुआ, पर वो खुश थी। अगले दिन भी बरसात थी। मुत्थू अपने फटे हुए छाते के नीचे कॉफी बेच रहा था। छाते से कुछ पानी की बूंदे कॉफी में गिर रही थी। बहुत बेहतरीन कॉफी है ये। धन्यवाद। आज भी मुत्थू की कॉफी धड़ाधड़ बिक रही थी। मुत्थू की अच्छी खासी आमदनी हो रही थी। आज तीसरा दिन था और बरसात थम गई। मुत्थू ने छाता बंद कर लिया। कॉफी 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 कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, गर्मा गर्म कॉफी, एक कॉफी देना। आज जब इस ग्राहक ने कॉफी चखी तो उसने कॉफी थूक दी। ची 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 ची, कितनी बेकार कॉफी बनी है। तुम इतनी अच्छी कॉफी बनाते थे, अचानक ये क्या कर दिया भाई। ये बात सुनकर मुत्थू हैरान हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दूसरे ग्राहकों को भी कॉफी बिल्कुल पसंद नहीं थी। फिर अचानक बरसात शुरू हुई और मुत्थू ने छाता खोल लिया। कुछ देर बाद उसके पास एक ग्राहक आई। एक कॉफी देना। मुत्थू ने उसे कॉफी दी। वाह मुत्थू भैया, बहुत ही अच्छी कॉफी है। मुत्थू चौंक गया। अब तक तो लोगों को कॉफी अच्छी नहीं लग रही थी, अब ऐसा क्या बदल गया। खैर, उसके बाद भी जो ग्राहक आए सबको कॉफी अच्छी लगी और एक बार फिर धड़ाधड़ कॉफी बिकने लगी। मुत्थू घर पहुंचा और उसने ये अजीब घटना अपनी पत्नी को बताई। ऐसा कैसे हो सकता है, आपने कुछ तो अलग किया होगा ना। बस एक ही बात अलग थी, बरसात। पहले जब मैंने कॉफी बनाई तब बरसात नहीं थी, पर फिर जब मैंने कॉफी बनाई तो बरसात थी। ऐसा, चलिए आजमाते हैं, आप घर के अंदर कॉफी बनाइए। मुत्थू ने वीना के लिए कॉफी बनाई और उसे दे दी। वीना ने वो कॉफी चखी और थूक दी। छी छी छी, ये कितनी बुरी कॉफी है, आपके ग्राहकों को ऐसी कॉफी कैसे पसंद आती है। पता नहीं। अब एक काम कीजिए, बरसात में कॉफी बनाइए। मुत्थू ने बरसात में छाते के नीचे कॉफी बनाई और ये कॉफी वीना को अच्छी लगी। ये कमाल है, लगता है इस छाते में ही कुछ है। इस छाते के नीचे कॉफी कमाल बनती है। ये चमत्कारी छाता है। मुत्थू और वीना समझ गए कि ये कमाल छाते का ही है। उस दिन से मुत्थू रोज चमत्कारी छाते के नीचे ही कॉफी बनाया करता था और उसकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की हो रही थी। काशीपुर नाम के गांव में दो पड़ोसी रहते थे, रामलाल और श्यामलाल। दोनों में 36 का आंकड़ा था। दिन भर बस झगड़ते रहते क्योंकि दोनों बेरोजगार भी थे। एक दिन श्यामलाल घर में बैठा था, उसकी पत्नी बाहर से भागती भागती आई और कहने लगी, अरे अपना पड़ोसी रामलाल तालाब के पानी से पैसे बना रहा है और तुम हो कि घर में निकम्मे बैठे हो। पत्नी की बात सुनकर श्यामलाल चौंक गया। तालाब के पानी से पैसे, ऐसे कैसे। तुम खुद जाओ और देख आओ। श्यामलाल भागते भागते तालाब पहुंचा और देखकर हैरान रह गया। रामलाल ने एक नाव खरीदी थी, वो लोगों को नाव में बिठाकर तालाब की सवारी करा रहा था और ढेर सारे पैसे कमा रहा था। श्यामलाल रामलाल से मिला तो रामलाल कहने लगा, मूर्ख था मैं जो दिन भर बेकार बैठा तुमसे झगड़ा करता फिरता। अब मैं इस गांव से पैसे कमाऊंगा, बड़ा आदमी बन जाऊंगा और जहाज खरीद लूंगा। रामलाल नाव में बैठकर लोगों को तालाब घुमाने ले गया और श्यामलाल फटी आंखों से देखता रह गया। रामलाल से उसे जलन होने लगी। मैं भी देखता हूँ तू कैसे बड़ा आदमी बनता है। श्यामलाल एक बाबा की कुटिया में गया और वहाँ से जादुई भस्म ले आया। रात के अंधेरे में उसने वो भस्म तालाब के पानी में घोल दिया। भस्म पानी में घुलते ही तालाब का पानी उबलने लगा और श्यामलाल हंसने लगा। जहाज तो दूर, अब तो उस पानी में नाव भी नहीं चला सकता। सुबह हुई तो उबलते तालाब की खबर पूरे गांव में फैल गई और तालाब के किनारे भीड़ इकट्ठा हुई। तालाब का उबलता पानी देखकर लोग डरने लगे। रामलाल अपनी नाव के पास खड़ा होकर चिल्लाने लगा, चलो चलो किसे करनी है उबलते तालाब की सवारी, पागल है क्या।
नाव में बैठकर उबलते तालाब में जाएंगे तो पकौड़े की तरह तल जाएंगे। हमें नहीं करनी कोई सवारी। सारे लोग चले गए और रामलाल परेशान हो गया। लगता है नाव बेचनी पड़ेगी, मैं तो बर्बाद हो गया। कुछ दिन बीत गए। श्यामलाल घर में निकम्मा बैठा था कि उसकी पत्नी आई और बोली, क्या निकम्मे बैठे हो, कुछ तो करो। रामलाल का इतना बड़ा नुकसान करा दिया और क्या करूं? रामलाल के नुकसान में तुम्हारा क्या फायदा? फायदा सोचो, इतना बड़ा गांव है, एक भी चाय की दुकान नहीं। उबलते तालाब में चाय पत्ती डालो और चाय बेचो। श्यामलाल तुरंत सेठ के पास गया और बोला, सेठ मुझे एक ट्रक शक्कर, एक ट्रक चाय पत्ती, एक ट्रक इलायची और एक टैंकर दूध चाहिए। इतनी मोटी मात्रा में माल, क्या गोलमाल है। बस आप भिजवा दो, पैसे एक साल बाद दे दूंगा। दूसरे दिन एक ट्रक शक्कर, एक ट्रक चाय पत्ती, एक ट्रक इलायची और एक टैंकर दूध उबलते तालाब के किनारे पहुंच गया। तो श्यामलाल ने तीनों ट्रक तालाब में खाली करवा दिए और तालाब में चाय उबलने लगी। इलायची की सुगंध सारे गांव में फैल गई और लोग तालाब के पास इकट्ठा होकर अजूबा देखने लगे। चाय ले लो, चाय, चाय ले लो, चाय, इलायची वाली चाय। लोगों ने चाय का तालाब कभी नहीं देखा था, इसीलिए चाय पीने और तालाब देखने लोगों की भीड़ इकट्ठी होने लगी। श्यामलाल का तगड़ा बिजनेस हो गया। इधर रामलाल ने गांव में पाइप और नल की फिटिंग की दुकान खोली थी, वो उसी में बिजी था। एक रात नल फिटिंग करने रामलाल दूसरे गांव जा रहा था, तभी रास्ते में उसे कुटिया वाला बाबा मिला और कहने लगा, वो श्यामलाल तुम्हारा पड़ोसी है ना, भस्म ले गया था तालाब में डालने और पैसे नहीं दिए। सुना है चाय का तालाब बेच रहा है, उसे पैसे लौटाने को बोल देना। बाबा चला गया और रामलाल समझ गया कि नाव के धंधे में टांग अड़ाने वाला श्यामलाल ही है। मेरा धंधा चौपट किया, अब मैं भी देखता हूँ चाय का तालाब कितने दिन चलता है। दूसरे दिन रामलाल तालाब के पास गया। श्यामलाल तालाब से चाय निकालकर लोगों को पिला रहा था और मोटी कमाई कर रहा था। अरे तुम इसे पैसे क्यों देते हो, ये तालाब इसका थोड़ी है, फोकट में चाय पिया करो। क्या बक रहा है, मैं तुमसे नहीं लोगों से बात कर रहा हूँ। रामलाल बात तो ठीक है, पर हमें चाय निकाल कर देगा कौन? देखो तो चाय कैसे उबल रही है। श्यामलाल हमें चाय निकाल कर देता है, इसीलिए हम पैसे देते हैं। मैं दूंगा तुम्हें चाय निकाल कर। वो कैसे? मैंने पाइप और नल का बिजनेस शुरू किया है, चाय के तालाब में पाइपलाइन करके सीधे तुम्हारे घर नल लगवा दूंगा, फिर घर में बैठकर जितनी चाहे उतनी चाय पीना। लोग रामलाल की बात मानकर चले गए और श्यामलाल परेशान हो गया। शक्कर मेरी, चाय पत्ती मेरी, इलायची मेरी, दूध मेरा, और तुम्हारा क्या? जैसे को तैसा, तुमने मेरा पैर खींचा, अब मैं तुम्हारा पैर खींचूंगा। इस प्रकार श्यामलाल बर्बाद हो गया और रामलाल को नया कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। उसने पाइपलाइन से लोगों के घर घर चाय पहुंचाई और कर्जदार बना श्यामलाल गांव छोड़कर भाग गया। महाराष्ट्र में बसंतपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादातर समय सूखा पड़ा रहता था, इसीलिए पानी आसानी से उपलब्ध नहीं था। गांव के घरों में सरकारी टंकियां लगी हुई थी, जिनमें सुबह शाम निश्चित समय के लिए ही पानी आता था। माँ देखना जरा, बाल्टियां टब सब खाली है, बराबर वाला सोनू आज फिर हमारे पानी से नहाकर भाग गया। तू सोनू के घर पर कपड़े लेकर जा, वो हमारा पानी खर्च कर गया तो उसका पानी खर्च करके आना। पड़ोसी के घर कपड़े धोना चाहिए, धोना आए या ना आए लेकिन धोना चाहिए। प्रियंका
अपने कपड़े हमारी टंकी पर क्यों धो रही हो? हाय राम, तुमने तो आधा पानी खर्च भी कर दिया। ओह गौरी बुआ, मैंने कपड़े धो लिए तो हाय राम, और सोनू जो आए दिन हमारी टंकी पर नहाकर चला जाता है उसका क्या? सोनू नौकरी पर जाता है, तुम्हारी तरह खाली नहीं है, और नहाने में ज्यादा से ज्यादा आधा बाल्टी पानी खर्च होता होगा। आधी बाल्टी पानी खर्च होता तो कोई परेशानी नहीं थी, तुम्हारा लड़का सारी बाल्टियां और टब खाली कर देता है। लो बेटी के पीछे अब माँ भी लड़ने आ गई। प्रियंका और सोनू के परिवार एक दूसरे के पड़ोस में रहते थे, पानी के पीछे अक्सर उनके बीच लड़ाई होती रहती थी। प्रियंका के पिता नहीं थे, दोनों माँ बेटी दिए मटके और मिट्टी के बर्तन बनाकर खर्चा चलाती थी। सुनिए जी, किसी तरह से ये माँ बेटी की इस गांव से छुट्टी करा दीजिए, फिर बराबर वाला घर भी हमारा हो जाएगा और हम बड़ी जगह में रह पाएंगे। तो सोनू की प्रियंका से शादी करवा देते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? कहाँ हमारा सोनू इतना पढ़ा लिखा, और कहाँ वो प्रियंका पांचवी पास, वो हमारे सोनू के लायक नहीं है। और वैसे भी मैं तो अपने सोनू की शादी किसी अमीर घर में करूँगी, हमें बस उनका घर चाहिए। कुछ ऐसी चाल चलिए कि ये माँ बेटी गांव छोड़कर ही चले जाएं। ये तो बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो। एक दिन गौरी प्रियंका के घर गई। प्रियंका तुम्हारी माँ कहाँ है? माँ माल पहुँचाने बाजार गई है। ये लो खीस, मेरे मायके से आया है, बहुत ज्यादा आ गया है, इसीलिए मैंने सोचा थोड़ा तुम्हारे घर दे दूं। ये बात ठीक है कि हम लोग लड़ते झगड़ते रहते हैं, लेकिन आखिर हो तो तुम हमारी पड़ोसी ही ना। अगले दिन सुबह सुबह प्रियंका और उसकी माँ की आँख अपने घर के बाहर हो रहे शोर से खुलती है। प्रियंका, हमारे घर के आगे इतना शोर क्यों हो रहा है? दोनों बाहर जाते हैं तो देखते हैं कि सोनू की माँ गांव वालों से चिल्ला चिल्ला कर कह रही है, गांव वालों अब हमारे गांव में चोरियां भी होने लगी। मैं अभी कुछ दिन पहले ही सोने के कंगन बनवा कर लाई थी और वो इस प्रियंका और उसकी माँ ने चुरा लिए। किन कंगनों की बात कर रही हो? हमने तुम्हारी कोई कंगन नहीं चुराए। तो ठीक है, हमें अपने घर की तलाशी ले लेने दो। हाँ हाँ, पूरे घर की तलाशी शौक से लो, हमें कोई डर नहीं है। गांव वाले प्रियंका के घर की तलाशी लेते हैं। गौरी बिस्तर के नीचे से कंगन निकाल लेती है। ये देखो गांव वालों, ये रहे कंगन, अब तो कुछ भी कहना बाकी नहीं रह गया। हम चोरों को गांव में नहीं रख सकते। हाँ हाँ ठीक कहा भाई, इन्हें गांव से बाहर निकालो। सारे गांव वाले मिलकर प्रियंका और उसकी माँ को गांव छोड़ने पर मजबूर कर देते हैं। माँ अब हम कहाँ जाएंगे? तुम चिंता मत करो बेटी, जीतू मामा के यहाँ चलते हैं। प्रियंका और उसकी माँ गर्मी में पैदल चलने लगे। माँ वो देखो एक टंकी, चलो उसी से पानी पीते हैं। प्रियंका ने जब टंकी खोली तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। टंकी से तरल सोना निकल रहा था। हाय राम, गांव वाले तो इस टंकी को खराब समझते थे, लेकिन इसमें से तो सोना निकल रहा है। माँ अब हमें कहीं जाने की जरूरत नहीं, हम यहीं पर अपना घर बना लेंगे। टंकी से निकले सोने की सहायता से प्रियंका और उसकी माँ एक बड़ा घर बना लेते हैं और पूरी शान शौकत से रहने लगते हैं। प्रियंका की अमीरी की बात पूरे बसंतपुर में फैल गई। सुनिए जी, हम प्रियंका की माँ से जाकर माफी मांग लेते हैं,
हम अपने सोनू की शादी प्रियंका से कर देते हैं, फिर उनकी जादुई टंकी, बड़ा मकान सब हमारे हो जाएंगे। पीछे जो कुछ भी हुआ हम उसे भूलकर आपसे माफी मांगने आए हैं। प्रियंका और सोनू साथ साथ ही बड़े हुए हैं, एक साथ खेले कूदे हैं, क्यों ना उनका विवाह कर दिया जाए। विवाह की बात तुम्हें उस समय याद क्यों नहीं आई जब हम गरीब थे? पहले हम तुम्हारे लायक नहीं थे और अब तुम लोग हमारे लायक नहीं हो। निकल लो यहाँ से। अमीरी का इतना घमंड, सोना देने वाली टंकी पर इसका घमंड टिका हुआ है। उस टंकी की पाइपलाइन कहीं से तो आती होगी, उसे तोड़ डालूंगी, फिर देखती हूँ किस चीज पर घमंड करेगी। एक रात गौरी अपने पति के साथ प्रियंका के घर के पीछे वाले जंगल में जाती है। वो और उसका पति खुदाई करना शुरू करते हैं। ये रही टंकी की पाइपलाइन। गौरी कुल्हाड़ी से पूरी पाइपलाइन तोड़ फोड़ कर अपने घर लौट जाती है। अगले दिन पूरे गांव में हाहाकार मच गया। इतना शोर क्यों हो रहा है? लगता है कल रात हमने जो पाइपलाइन तोड़ी थी वो सोने वाली टंकी की पाइपलाइन नहीं बल्कि गांव में आ रहे पानी की पाइपलाइन थी। गांव में पुलिस आती है और पानी के पाइपलाइन तोड़े जाने की जांच करती है। गौरी और उसका पति पकड़े जाते हैं। उन्हें पानी के पाइपलाइन तोड़ने के जुर्म में जेल हो जाती है। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि दुष्ट लोग दूसरों का नुकसान करने के चक्कर में अपना ही नुकसान कर बैठते हैं।